औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकर, आज हम न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन का आज 20वां प्रोग्राम है और आज 20 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ मंगल 2023 1444 हिजरी है। आज हमारे न्यूज़ स्टूडियो में पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के रिसर्चर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब मौजूद हैं। हमें उन्होंने खुशी तौर पे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और मेरे बाएं जानेब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेमी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल डॉक्टर शाह डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, हमें खुशी तौर पे उन्होंने ज्ञान किया। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, आपकी शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ डू यू डू डॉक्टर साहब? आई एम वेल डॉक्टर साहब। कल जो एक खूबसूरत प्रोग्राम हमने किया है, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, बहुत बड़ा नाम मेडिकल साइंस की दुनिया में, बिल्कुल कल हमने उनकी हैप्पी बर्थडे को बेहतरीन अंदाज से ग्रैंड प्रोग्राम था उसको सेलिब्रेट किया और उसमें पाकिस्तान के नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स ने शिरकत की। क्या खूबसूरती थी डॉक्टर साहब उस दिन की, और पूरी दुनिया में एक नया पैगाम गया है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी दुनिया में एक नया एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत होम्योपैथी तरीका लाज को प्रमोट करने जा रहे हैं, इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका लाज के इंकलाब की सदी होगी और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत होम्योपैथी तरीका लाज का एक डंका बजने जा रहा है और उसके लिए अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी जो है एक नई गरज चमक के साथ डॉक्टर साहब, एक नई कड़क बड़क धार के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ, एक नए जुनून के साथ इसको हम प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब, सपोर्ट करेंगे डॉक्टर साहब। जो आपने रमजान अल मुबारक पूरे रमजान में एक नई तहकीक की है जो निखर के सामने आई है और उसको आज जो हमारे जिस्म में हमारी बॉडी में जो ये सेल्स बास्तों को टूटने का अमल जो है उसको जो ऑटोग्राफी ऑटोफेजी जो है एक स्टिमुलेट उसको करती है इस नई तरीके से, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में व्हाट विल यू से अबाउट इट, इसके बारे में क्या कहेंगे, आपकी नई तहकीक है रमजान अल मुबारक में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि रमज़ान अल मुबारक का महीना है, आज 20 रमज़ान है और जो दूसरा रमज़ान का अशर है आज इसका आखिरी दिन है, दूसरा जो अशर है वो भी इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। तो रमज़ान अल मुबारक जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे तमाम दुनिया के लोगों के लिए रहमतों और बरकतों का महीना है। इसके अंदर अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर नाजिल होती हैं, उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। तो आज डॉक्टर साहब जो हम अपने नाज़रीन को एक बिल्कुल नई बात जो है नई बात होगी बताने जा रहे हैं, न्यू रिसर्च पे बात होगी डॉक्टर साहब आपकी तरफ से। जी जी बिल्कुल, के लेटेस्ट ये तहकीक है कि रमज़ान मुबारक में जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में इंसान के बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है ऑटोफेजी जिसे हम कहते हैं, तो ऑटोफेजी तो ये जो है ऑटोफेजी का निज़ाम जो है वो रोज़े की हालत में या रमज़ान पूरे रमज़ान के अंदर आम दिनों की नस्बत ज़्यादा तेज़ मुतहरक हो जाता है। ठीक है, ऑटोफेजी क्या होती है? ऑटोफेजी ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स और बाफ्ते होती हैं ना उनके कुछ हिस्से जो हैं कुछ टॉक्सिक मटेरियल की वजह से ना डैमेज हो जाते हैं। जी जी जी, तो वो जो डैमेज होते हैं पार्ट्स वो दोबारा से ना रिसाइकल होते हैं। जी, रिसाइकल होके दोबारा से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, बन जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो यानी कि बाफ्तों का और सेल्स का जो दोबारा से रिसाइकलिंग होना डैमेज पार्ट्स का, यानी कि जो पार्ट डैमेज हो जाते हैं उनका दोबारा से बन जाना जो है ना वो ऑटोफेजी कहलाता है। ऑटोफेजी उसको ऑटोफेजी कहते हैं। तो रमज़ान का महीना जो है बहुत ही बाबरकत महीना है, इसकी बरकत की वजह से जो है ना इंसान के अंदर जो ऑटोफेजी का अमल है ये पहले की नस्बत जो है आम दिनों की नस्बत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जी जी, कि हमारे ज़्यादा ये स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के जो डेड
बाफ़तें होती हैं या टिश्यूज़ होती हैं या सेल्स होते हैं जो उनके पार्ट जो डेड हो चुके होते हैं वो दोबारा से रीन्यू हो जाते हैं और बन जाते हैं, और इस महीने में बनते हैं ज़्यादातर डॉक्टर साहब रोज़े की हालत में। माशाल्लाह, ये तहकीक है, रिसर्च है। हाँ जी बिल्कुल, बरकत है कि बाकी महीनों की नस्बत से इस महीने के अंदर जो है वो ज़्यादा रीन्यू हो जाते हैं, रीन्यू हो जाते हैं यानी कि नहीं बन जाते हैं, दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं। जी जी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे ना जिस्म के अंदर बहुत सारी और भी दूसरी बीमारियां जो इस वजह से पैदा होती हैं ना वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि ऑटोफेजी का अगर अमल ना हो तो इसकी वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारी ना बीमारियां पैदा होती हैं। जी जी। जिनको हम कुछ थोड़ा सा अभी इस अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को बता देंगे। सबसे पहला जो इसका बीमारी होती है वो होती है बुढ़ापा, कि अगर ये वाला अमल ना हो या ये अमल स्लो हो रहा हो तो इसकी वजह से जो है वो बुढ़ापा जो है ना वो बहुत जल्दी से आ जाता है। तो ये मेरी भी तहकीक है और बहुत सारे जो तिबी माहिर उन्होंने भी इस बात की तहकीक की है कि रोज़ा रखने की वजह से जो लोग मुसलमान या जो भी इंसान जो है वो रोज़ा रखता है ना कंटिन्यूसली कुछ एक माह या कुछ दिन तक रोज़ा रखते हैं तो उनके ऊपर जो है ना वो बुढ़ापे का काम शिकार होते हैं, उनके ऊपर बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आता, देर से आता है, क्योंकि ये जो ऑटोफेजी का अमल है ना ये सेल्स को जो रिसाइकल कर देता है बार बार, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल जो है वो रीन्यू रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो है ना बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, बुढ़ापे के असरात कम हो जाते हैं रोज़ा रखने की वजह से। और यानी डॉक्टर साहब एंटी एजिंग का काम भी करता है। एंटी एजिंग का बिल्कुल जी, ये एंटी एजिंग का काम करता है। जी जी। तो रोज़ा रखने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। और ऑटोफेजी की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां जिसमें दिल की बीमारियां हैं उससे बंदा महफूज रहता है, और इसके अलावा अल्जाइमर की बीमारी है इससे भी महफूज रहता है, पार्किंसन की बीमारी है इस बीमारी से भी महफूज रहता है, और दिमाग की बहुत सारी न्यूरोटिक डिजीज़ होती हैं उनसे भी महफूज रहता है, क्योंकि हमारे जिस्म तमाम जिस्म जो है इसकी बुनियादी इकाई जो है वो सेल होती है, खुलिया होती है। जी जी। और जो खुलिए जब मिलते हैं तो वो फिर जो बड़े अज़ा बनते हैं वो बाफ़ते होती हैं, तो ये तमाम बाफ़तों से हमारा जिस्म बनता है, तो ये जिस्म के अंदर जो बाफ़तों का निज़ाम है ये रेगुलेट रहता है, इस अमल को हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी इसको कहा जाता है जी। तो इसकी वजह से जब ये वाला अमल मुतहरक रहता है, जितना ज़्यादा ये मुतहरक रहता है और जितने भी दूसरे मेन पार्ट हमारे बॉडी के हैं जिस तरह से आपको एंटी एजिंग बुढ़ापा है, स्किन टाइट रहती है, वो उसके अंदर जो है वो ढीलापन नहीं आता इसकी वजह से, क्योंकि सेल रीन्यू होते रहते हैं, उसके अंदर नए बनते रहते हैं, तो जल्द भी एक्टिव रहती है, और बहुत सारी बीमारियों से भी हम महफूज रहते हैं। तो ये जो है रमज़ान के महीने में ये एक नई तहकीक है कि रमज़ान के रोज़े रखने से ये जो है एक नई तहकीक सामने आई है जी, कि इंसान जो है इसके अंदर जो है ऑटोफेजी का अमल जो है, सेल की रिसाइकिलिंग का अमल, रीन्यू होने का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, हो जाता है। तो इससे फिर बहुत सारी मजीद जो बीमारियां कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं वो भी इससे बंदा रहता है। ये रोजादार और फास्ट मैन लोगों के लिए भी एक नई सहूलत जी सामने जी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनके लिए भी जी जी। और तमाम ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो रोज़ा नहीं रखते, रोज़े की अफादियत से महरूम रहते हैं, वो रोज़ा रखें और रोज़े की अफादियत से जो है ना मुस्तफ़ीद। हाँ जी बिल्कुल, और रोज़ा जो छोड़े ना रोज़े को रखें और रोज़े की अफादियत से मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि इसे जो है इंसान जो है वो सेहतमंद और तवाना रहता है जी, बीमारियां जाती रहती जी, बीमारियां जाती हैं इसकी वजह से। तो इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है, ज़्यादा वीक होता है इम्यून सिस्टम, कुव्वते मुदाफियत उनकी, वाइटल फोर्स डॉक्टर, प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी बहुत वीक होती है, तो उनके लिए फिर कुछ मेडिसिंस का तो सहारा लेना पड़ता है। तो हमारी होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी ऐसी शोरा फाक मेडिसिन जो है इस अमल को तेज़ करती हैं और एंटी एजिंग होती हैं, और इस जो सेल्स न्यू बनते हैं उनको तेज़ करती हैं बनने के अमल को, उनको रिपेयर करने के अंदर मदद फ्राहम करती हैं। उसके अंदर हमारी बहुत सी शोरा फाक मेडिसन्स हैं, एक तो जो है वो एंटी एजिंग को काम करती है, वो है जिंसिंग, जिंसिंग मास्टर जिंसिंग, ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्यू फार्म में बेहतरीन जी बिल्कुल करेगा। और जो ऑटोफेजी का अमल है इसको मुतहरक करने के लिए हमारी जो होम्योपैथी की बहुत अहम बायोकेमिक मेडिसन हैं फाइव फास्ट। हाँ जी, फाइव फास्ट से जो है ना वो सेल्स की नशुमा बेहतर अंदाज से जो है वो होना शुरू हो जाती है, और जो डैमेज पार्ट्स हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और इसका जो है वो पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और पेशेंट जो है बड़ी जल्दी के साथ अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद और तवाना
तवाना जो है ना अपने आप को महसूस करते हैं फाइव फास्ट लेने से। तो फाइव फास्ट जो है ये ज़रूरी नमकियात जो हमारी बॉडी में जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब मैं अपने जो मेहमान डॉक्टर दूसरे डॉक्टर साहब हैं उनको कहूंगा कि वो इसको फाइव फास्ट के बारे में थोड़ी सी अहमियत दी और डॉक्टर साहब भी पाकिस्तान में रिसर्च डॉक्टर्स में उनका नाम शामिल है और वो रिसर्च जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल साइंस के शोबे में तो डॉक्टर मीन खोखर साहब का भी नाम है। डॉक्टर साहब फाइव फास्ट जो मेडिसिन है होम्योपैथी में बायोकेमिक में ये मेडिसिन है उसकी तशरीह आप तशरीह जो है वो किस तरह करें कौन सी मेडिसिन है इन फाइव फासेस में के नाज़रीन को भी पता चले। डॉक्टर साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जिस्म में 12 नमकियात पाए जाते हैं जी और जब इन नमकियात की कोई कमी हो जाती है इंसानी जिस्म के अंदर तो इंसानी जिस्म में जो खुलियात और बाफ्तें होती हैं इनके बहुत से हिस्से जो हैं वो नकारा हो जाते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो बायोकेमिक में मेडिसिन मौजूद हैं जी जो जिनके इस्तेमाल से ये दोबारा जो है मुतहरक हो जाते हैं खुलियात और बाफ्तें जो होती हैं वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। इनमें से सबसे पहले है जी कैल्केरिया फास। कैल्केरिया फास मास्टर मेडिसिन है ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा हाँ काम करती है। काम करती है बिल्कुल। और बच्चों की अगर हड्डियां कमजोर हैं दांतों का मसला है जी या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और इसके इस्तेमाल से उसकी वो वीकनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद है जी फेरम फास जो के खून की कमी को पूरा करती है ठीक है और क्या खुलियात को बड़ी तेजी के साथ बनाती है। हाँ जी पैदा कर जी तो तीसरे नंबर पे है जी कालीफास मास्टर मेडिसिन है जी। हाँ जी मास्टर मेडिसिन दिमाग पे काम करती है काम करती है किसी को जानने की आदत तेज करती है तेज बढ़ाती है जी जी बिल्कुल और तकवीयत देती है दिमाग को स्ट्रांग बनाती है। खास तौर पे जो स्टूडेंट हैं उनको अगर सर दर्द रहता है जी तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये तालिबिलों के लिए मास्टर मेडिसिन है जी जी ऐसे ही है सर बिल्कुल। तो उसके बाद है जी मैग्नीशिया फास जो है ये दर्दों के लिए अगर पेट में दर्द है सर में दर्द है या तशन्नुज का मसला है जी जी या कान में कोई क्रैम्पिंग है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मसलर उसको भी बेहतरीन अंदाज से बसित कर देती है पेशेंट बड़ी ये मैग्नीशिया फास काम करती है मास्टर मेडिसिन है जी पेन किलर है ये जी बिल्कुल ऐसी है और बहुत तेज असर करती है डॉक्टर साहब तेजी के साथ। हाँ जी और पांचवें नंबर पर है जी नैट्रम फास ये मैदे पे बड़ा असर अच्छा असर करती है अगर खुराक की नाली में जलन हो रही हो बिल्कुल उसको तो बुखार वगैरह जो भी हो ये ठीक कर देती है इसके साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब इन पांचों को अगर मतलब इस्तेमाल किया जाए तो ये सारे हमारे अंदर के खुलियात हैं बाफते हैं जो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारा प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। नाज़रीन जीवकार आप हमारे IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो में इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमजान ट्रांसमिशन में हमारे जो पाकिस्तान के रिसर्चर डॉक्टर्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब और सीनियर तरीन हमारे डॉक्टर रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब की आप ऑटोफेजी को स्टिमुलेट कर रखने के लिए उनकी सैर हासिल गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन जीवकार आपको उनकी गुफ्तगू जो है वो सब जरूर आप उसको पसंद करेंगे और ये नाज़रीन के लिए बिल्कुल नई गुफ्तगू है रिसर्च है ये डॉक्टर साहब की दोनों डॉक्टर्स की हमारे जो मेहमान डॉक्टर्स हैं इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। नाज़रीन जीवकार अपना और अपने बच्चों का अपने अजीज़ों कारब का अपनी फैमिलीज़ का अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।